करीब 28 लाख महिला कर्मी अल्प मानदेय पर कार्यरत है। करीब करीब इनके साथ पहले एक के बाद एवं बाद के संविदा कर्मियों को राज्य सरकारों द्वारा नियमित किया जाता रहा है। नई शिक्षा नीति के मद्देनजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविकाओं को नर्सरी टीचर बनाने के लिए विकल्प एवं विकल्पों पर विचार कर समय रहते नियमित करने का निर्णय लिया जाना न्याय संगत होगा। सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की जाए। भारत सरकार ने मार्च 2019 में कार्यकर्ता के 3,000 रुपये से 4,500 रुपये व सहायिकाओं के 1,500 रुपये से 2,250 रुपये मानदेय वृद्धि की, जिसमें 60% 40% का अंशदान केंद्र एवं राज्य का है। विगत 6 वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर से निरंतर इजाफा हुआ, जिसके कारण केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। आम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई, परंतु विडम्बना है कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार द्वारा इन आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे मानदेय अंशदान में 3 नमानदेय वृद्धि की जाना है। न्याय उचित रहेगा, जिसमें राज्य के अंशदान को जोड़ने पर 20,000 से 25,000 रुपये तक मानदेय वृद्धि हो सके, यह सुनिश्चित की जावे। आंगनवाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्त पर 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता एवं पेंशन सुविधाएं हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मानदेय सेवानिवृत्ति पर कोई सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है, अतः सेवानिवृत्त पर जीवन के अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था में 10 लाख रुपये नकद भुगतान एवं मासिक नियमित पेंशन लाभ मिले नीति बनाई जावे।